Hello, welcome my dear students of class 5th and I'm your teacher Divya. Today we are going to continue the English class, okay? And in the last class we saw the poem Topsy Turvy Land, है ना? इसी क्लास में हमने एक बहुत प्यारी कविता देखी थी जिसका नाम था Topsy Turvy Land. And children, before we start, एक छोटा सा recap कर लेते हैं कि Topsy Turvy Land में what are the things that take place? वेरी फनी फनी थिंग्स, है ना? बड़े अजीब अजीब बातें होती है टॉपसी टर्वी लैंड में, यानी कि उल्टी फुल्टी जगह, है ना? ये दुनिया आप कह सकते हो, उल्टी फुल्टी दुनिया. तो यहाँ पर क्या चल रहा है? बसेस कहाँ चल रहे हैं? समुद्र में, सी में चल रहे हैं. एंड व्हाट अबाउट बोट्स? बोट्स दे आर मूविंग अप एंड डाउन इन द स्ट्रीट्स, गलियों में बोट चल रहे हैं, है ना? और लोग टोपी कहाँ पहन रहे हैं? People wear their hats on their feet, है ना? लोग जो है अपने टोपी को अपने पैरों पर पहन रहे हैं. और इसकी छोटी छोटी बड़ी उल्टी पुल्टी चीजें हमने देखी. एंड वी ऑल्सो केम थ्रू न्यू वर्ड्स एंड सम एक्सरसाइज ऑल्सो वी वेंट थ्रू. ओके, एंड टूडे वी आर गोइंग टू सी द लेट्स राइट पोर्शन. ओके, आज हम लेट्स राइट पोर्शन देखते हैं. अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट दैट हमारे साथ हिंदी मीडियम के बच्चे भी हैं, सो दैट्स व्हाई हिंदी एंड इंग्लिश विल गो हैंड इन हैंड. ठीक है, हम उनका भी मदद करेंगे ताकि हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी समझ सकें. ओके चलो, ओवर टू लेट्स राइट पार्ट. ओके, नाउ लेट्स राइट. राइट फाइव थिंग्स दैट यू डू, पांच चीजें आपको लिखनी है जो आप करते हो. एट होम, वेयर? एट होम. जो चीजें आप घर में करते हो, यू हैव टू राइट फाइव थिंग्स टू मेक योर होम लुक, टू मेक योर होम लुक. अपने घर को दिखना, कैसे दिखना? नीट एंड क्लीन. आप अपने घर को नीट, साफ और सुथरा दिखने के लिए आप क्या चीजें करते हो? पांच चीजें क्या करते हो? कम ऑन, लेट्स, वी आर गोइंग टू राइट डाउन. ओके, सो लेट्स राइट. बिकॉज सम ऑफ द चिल्ड्रन दे ब्रूम द रूम एंड दे आल्सो डू द डस्टिंग, है ना? घर में मॉम की हेल्प करते हो, मम्मी की हेल्प करते हो, है ना? एंड सम चिल्ड्रन हैव अ वेरी गुड हैबिट ऑफ कीपिंग थिंग्स इन प्रॉपर प्लेस. कुछ बच्चों की बहुत अच्छी आदत है, वो चीजों को बहुत अच्छी तरह से जगह पर रखते हैं, सजा सवार कर रखते हैं. ओके, सो लेट्स राइट क्या लिखते हैं? मैं झाड़ू मारता हूं और मैं डस्ट ऑफ करता हूं, या मैं झाड़ू मारती हूं और मैं डस्ट ऑफ करती हूं. ओके, लेट्स राइट. आई ब्रूम, बी आर ओ ओ एम, ब्रूम. एंड डस्ट ऑफ यानी कि झाड़ना. ओके, and dust off the room. Or you can write house also, home also. ठीक है? I broom and dust off the room. ठीक है? And what else? Besides this, और आप क्या-क्या काम करते हैं? Well, some of the children they keep their books and bag properly. You know? करते हैं. सम ऑफ द चिल्ड्रन, आई थिंक मोस्ट ऑफ द सम ऑफ द टाइम वी जस्ट लीव देम, है ना? कभी कभार वी डू दैट, राइट? एंड आई थिंक मेरे बच्चे काफी स्मार्ट हैं. ऑल द क्लास स्टूडेंट्स आर वेरी रिस्पॉन्सिबल. सो लेट्स राइट चिल्ड्रन. मैं लिखूंगी आई कीप माई बुक्स एंड बैग प्रॉपरली. ओके, आई देयर I keep my books, किताबों को, and bag properly, यानी कि अच्छी तरह से मैं अच्छी तरह से रखता हूं या रखती हूं. अच्छी तरह से, दैट मीन्स यू आर पुटिंग देम इन प्रॉपर प्लेस, है ना? अब ठीक जगह पे रखते हो. ओके, नाउ डस्टिंग ऑफ द रूम.
cleaning broom in the room, keeping the books and bag properly, and what else? Number three, can you write two, three more points we have to write? Okay. There are one more thing. I think most of the time the girls do, but some boys, smart boys also to do. They wash the utensils up, bartan bhi dhote ho. I have asked some of the children, even the boys, they help their mamas. It's a very good quality. There's no work that which only girls have to do, hai na? Aisa koi kaam nahi jo sirf ladkiyon ko karna hai. Work is for everyone, right? Koi bhi kaam kar sakta. Anybody can do any sort of work. So it's very good thing, a very healthy thing also. So I wash utensils. Bartan ko utensils kehte hain. Can write out. I wash. Or you can write down a clean also. I clean. It will be better. I clean utensils. Bartan. Okay. Watch out the spellings of the children. U-T-E-N-S-I-L-S. Utensils. Yani ki bartan. Okay. Bahut sari cheeze ho gayi hai. Hai na? झाड़ू लगाना हो गया है, डस्टिंग ऑफ हो गया है, बुक्स बैग उनको प्रॉपर जगह पे रखना हो गया है, क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल्स हो गया, बर्तन को साफ करना हो गया है, व्हाट एल्स? ठीक हो वो? और कौन सी ऐसी काम जो हमारे बच्चे करते हैं बहुत बढ़िया से करते हैं? आई थिंक व्हाट अबाउट शूज? कीपिंग द शूज इन द प्लेस? जब छोटे होते बच्चे वो सब दे फॉरगेट, भूल जाते हैं, एज सून एज दे कम फ्रॉम द स्कूल they leave the shoes, they remove the shoes, they take off, they come out of the shoes and they just leave and run off. And then mama takes, picks up the shoes and then mommy jagah pe rakhti hai. Lekin jo bachche aise bade ho jate hain, as they grow, they become very responsible and wo kya chahte hain ki mera shoes jo hai achhi tarah rahe, kharab na ho, right? So you can write down, I keep my shoes in proper place. Okay? I keep my shoes and socks. You can also add socks. Shoes and socks. In jahan par rakhna hai, wahan par rakhna hai. Proper place. I'm going to write down here, children. P-L-A-C-E. Place. Proper place. Just going to scribble here. Okay. Watch out with the spelling, children. P-L-A-C-E. Place. Okay. And there are little more work. Kuch kuch aur kaam hai jo bachche karte hain. Sometimes when mama tells, you do that. Jab mom bhejti hai, jab aapke daddy kehte hain, aapke papa kehte hain ki okay, aaj you do this. Ye kaam jo hai, cleaning of window glasses. Hai na? खिड़की में जो ग्लासेस होते हैं, जो कांच होते हैं, उनको भी आप पोछते हैं, राइट? साफ करते हैं, लेट्स फाइंड आउट. ये भी एक छोटे छोटे काम है. व्हेन यू क्लीन अप, दैट इज द वर्क ऑफ द हाउस, है ना? आप ऐसा करके आप अपने घर को क्या कर रहे हो? यू आर डूइंग, यू क्लीनिंग द होम, राइट? यू क्लीनिंग द हाउस. सो लेट्स राइट डाउन, आई क्लीन द विंडो ग्लासेस. Window glass or glasses. Window glasses. Oh, there are children, many other things. There are so many things that we can do in the home, like at home. है ना? बहुत सारे काम हैं जो घर में हैं, जो हम कर सकते हैं, and we can make our home neat and clean. है? यहाँ तो मैंने थोड़े से point बताए. There are many children who are doing more than this. बहुत सारे बच्चे हैं वो इन कामों से भी कई ज्यादा काम करते हैं. Hats off to this kind of children. Well done children, keep doing this. This is a very good habit, है ना? जब आप क्लीन करते हो, you yourself make yourself clean. You're keeping the surroundings also clean, right? And you're giving a good example to others. If you have younger brother and younger sister, जब आपका छोटा भाई या छोटी बहन आपको देखते हैं, सीखते हैं ना, वो मेरे भैया ने जूते को ऐसे रखा है, तो he will also follow. वो भी आपकी बिल्कुल नकल करेगा, because he loves you and he will follow you. So you are setting a very good example. Alright, let's move to the next part. Okay? Alright, let's read out this question. Okay? जो हमने अभी लिखा है, हम अब इसको read out कर लेते हैं. Okay? These are the things what we do to make our home neat and clean.
I broom and dust off the room. I keep my books and bag properly. I wash or clean utensils. I keep my shoes and socks in proper place. And the last one is, I clean the window glasses. Children, you can add of your own also. If you are doing anything besides this verb, aap usme apna sentence bhi add kar sakte hain. Okay? Alright children. Here's an interesting thing. Okay? Aapko bahut maza aane wala hai. Two stories got mixed up. दो जो कहानियां हैं वो मिक्स हो गई हैं, मिल गई हैं, ओके? They got mixed up, ओके? Sort them out, उन्हें sort out करना है, systematically करना है, ओके? They are mixed up, we have to sort it out, ओके? You this side, you this side, you this side, alright? And write them in the appropriate boxes. We'll go to further page. In the further page, there are different boxes. Two boxes are given, ठीक है? दूसरे पेज में दो बॉक्सेस दिए हुए हैं तो आपको जो स्टोरीज हैं एक स्टोरी एक बॉक्स में दूसरी वाली स्टोरी दूसरे बॉक्स में रखना ओके बिकॉज बोथ द स्टोरीज आर मिक्स्ड अप मिक्सचर हो गया है ठीक है हमें उनको अलग अलग करना है लेट्स रीड द फर्स्ट सेंटेंस वी थॉट द लायन हैड ईटन समवन हमने सोचा कि शेर ने किसी को खा लिया है नेक्स्ट सडनली द काइट lifted him off the ground. अचानक से पतंग ने उसे जमीन से ऊपर उठा लिया. Lifted off the ground में off the ground. Ground से off ऊपर. Okay? Lifted उठा लिया. Ground से ऊपर उठा लिया. किसने? Kite ने पतंग ने उठा लिया. And took him over the tree tops. Tree top. और उसे कहाँ ऊपर उठा लिया गया? पेड़ों के भी ऊपर लेकर चला गया कौन पतंग उठा कर ले गया ओके नेक्स्ट सेंटेंस ही सॉ अ शू इन द लायंस केज उसने एक्चुअली इट्स नॉट ही इट इज वी ओके इवन इन द बुक आल्सो इट्स रिटन ही इट्स नॉट ही इट इज वी वी सॉ अ शू इन द लायंस केज हमने एक जूता देखा लायन के पिंजरे के अंदर इन ओके Finally, the kite brought him back to the path. Finally, आखिरकार वो जो kite था, जो पतंग था, वो उसे वापस पार्क में ले आया. Okay? Next, our class had gone to the zoo. हमारा क्लास जो है कहाँ गया था? Zoo, चिड़ियाखाना गया था. Puran was flying the brand new kite in the park. पूरन जो है वो ब्रांड न्यू एकदम नया काइट जो है वो कहाँ कहाँ उड़ा रहा था पार्क में उड़ा रहा था नेक्स्ट सेंटेंस सम चिल्ड्रन स्टूड एंड स्क्रीम कुछ बच्चे खड़े हो गए और चिल्लाने लगे स्क्रीम चिल्लाने लगे एंड सम रैन टू द डायरेक्टर ऑफ द जू और कुछ लोग जो थे वो जू में जो डायरेक्टर थे जो सबसे बड़े थे ऑफिसर थे डायरेक्टर थे कुछ बच्चे उनके पास भाग गए ओके नेक्स्ट पूरन वाज फ्राइटेंड पूरन डर गया एंड एक्साइटेड और वो बहुत खुश भी हो रहा था कि अरे ये क्या हो रहा है लेकिन वो डरा हुआ भी था ओके नेक्स्ट द लायन हैड नॉट ईटन एनीवन लायन ने शेर ने किसी को खाया नहीं था बिकॉज द शू वाज वन ऑफ द लायन्स टॉयज क्योंकि वो जो शू थी वो लायन की एक खिलौने में से एक थी यानी कि वो जो शू था वो खिलौने वाला शू था राइट ओके चिल्ड्रन नाउ वी आर गोइंग टू नंबर देम अप ओके कौन सी स्टोरी है एक काइट वाली स्टोरी है वेयर देयर इज पूरन ठीक है पूरन जहां पर है वो काइट वाली स्टोरी है हम उसको ए बी सी डी लिखेंगे ओके एंड द जू स्टोरी जहां पर बच्चे गए हैं उस स्टोरी को हम 1 2 3 लिखेंगे ऑलराइट नाउ लेट्स फाइंड आउट पूरन स्टोरी ठीक है पूरन की स्टोरी कहां से शुरू होती है पूरन वाज फ्राइटेड नहीं ये तो विजुअल लग रही है पूरन वाज फ्लाइंग द ब्रांड न्यू काइट इन द पार्क ये कुछ नहीं ठीक सा लग रहा है लेट्स फाइंड आउट और पूरन वाली देखेंगे काइट वाली लेट्स से फाइनली द काइट ब्रॉट हिम लास्ट में नो सडनली द काइट लिफ्टेड इट इज पूरन स्टोरी लेकिन ये बीच वाली ओके आई थिंक पूरन वाज
find the brand new kite in the park? Let's number it, okay? तो पूरन को हम A B C D से करेंगे, okay? पूरन was flying the brand new kite in the park. A. Okay. उसके बाद what happens? उसके बाद क्या होता है जब वो अपनी पतंग उड़ाता है पार्क में? Then. Okay. पूरन was frightened. Yeah. Suddenly the kite lifted him off the ground. अचानक जो है पतंग उसे ऊपर ले जाती जमीन से ऊपर and took him over the tree top. उसे पेड़ों के ऊपर ले गया पतंग. तो A and this is B. हमने B डाल दिया. ये दूसरा कहानी का दूसरा नंबर है. All right. Next. Then after that, Puran was frightened and excited. डरा हुआ था और थोड़ा खुश भी हो रहा था कि नहीं ये क्या हो रहा है मुझे देखने को मिल रहा था लेकिन मुझे डर भी लग रहा था. ओके ओके तो ए बी नेक्स्ट इज सी. ओके एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड फाइनली द काइट ब्रॉट हिम बैक टू द पार्क. नाउ दिस इज और लास्ट में आखिरकार काइट जो है उसे वापस पार्क में ले आई. ओके तो द स्टोरी स्टार्ट्स विद दिस. ए पूरन वाज फ्लाइंग द ब्रांड न्यू काइट इन द पार्क. पूरन जो है पार्क में अपना नया पतंग उड़ा रहा था. बी सडनली द काइट लिफ्टेड हिम ऑफ. अचानक से पतंग ने उसे ऊपर उठा लिया ग्राउंड से ऊपर उठा लिया एंड टूक हिम ओवर द ट्री टॉप और उसे पेड़ों के ऊपर ले गया. एंड देन सी पूरन वाज फ्राइटेंड एंड एक्साइटेड. वो डर गया था उसे अच्छा भी लग रहा था सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था बट ही वाज फ्राइटेंड पर वो डरा हुआ था. एंड डी फाइनली आखिरकार द काइट ब्रॉट हिम बैक टू द पार्क. ओके नाउ चिल्ड्रन ए बी सी डी गॉट दैट वन स्टोरी. आपको एक कहानी मिल गई है तो इस कहानी को आपको एक बॉक्स में लिखना है. ऑलराइट नाउ लेट्स फाइंड आउट द second story. इसमें और एक story मिली हुई है तो let's find out. Well, this story is about a zoo. ठीक है? एक zoo में जाने वाली कहानी है. Let's find out. Let's read out. We thought the lion had eaten someone. मुझे हमें लग रहा था कि शेर ने किसी को खा लिया. ये तो बीच वाली लग रही है. Okay. We saw a shoe in the lion's tail. It is actually we. Okay, children. This is we. W-E-V. We saw a shoe in the lion's cage. हमने लायन के केज में लायन के पिंजरे में एक शू देखा जूता देखा. Our class had gone to the zoo. हमारे क्लास जो है zoo गया था. Some children stood and screamed. कुछ बच्चे खड़े हो गए चिल्लाने लगे. And some ran to the director of the zoo. कुछ भागी director zoo के जो बड़े director थे जो officer थे सबसे बड़े officer director थे बच्चे उनके पास दौड़े. And the lion had not eaten anyone. This is the lion ne kisi ko nahi khaya tha. Okay, the story begins with our class had gone to the zoo. ठीक है? Number one, yes, number one. This is number one. Okay, number two, iske baad kya hua? Let's see. Now here, we thought, no, here, we saw a shoe in the lion's cage. ठीक है जब zoo गए तो हमने क्या देखा lion के cage में क्या देखा एक जूता देखा. ओके आफ्टर दैट व्हाट जब हमने lion के cage में एक जूता देखा तो क्या हुआ what happened some children stood and screamed. कुछ बच्चे वहां खड़े होकर खूब जोर से चिल्लाने लगे and some ran to the director of the zoo. भागे. ओके the one two this is number three and number four. What happened? We thought the lion had eaten someone. हमने सोचा कि शेर ने किसी को खा लिया है. Okay, now here's a correction, children. Now this will come number three. Well, children, this is number three. Okay, क्योंकि पहले हमने सोचा कि लायन ने किसी को खा लिया है. आफ्टर दैट सम ऑफ द चिल्ड्रन रैन. ठीक है सो फर्स्ट सो नंबर वन अ क्लास हैड गॉन टू द ज़ू. नंबर टू वी सॉ अ शू इन द लायंस केज. हमने लायन की केज में एक शू देखा एंड देन
वी थॉट, हमने सोचा that the lion had eaten someone, कुछ शेर ने किसी को खा लिया है. And after that, here comes number four. This is number four. Some children stood and screamed and some ran to the director of the zoo. कुछ बच्चे चिल्लाए, चीखे और भागे zoo के director की तरफ. And number five, last one happened. The lion had not eaten anyone. Lion ने किसी को खाया नहीं था. Because the shoe was one of the lion's toys. क्योंकि वो जो shoe था, वो lion का खिलौना था. So this is number five. Okay. Now children, you have to put all these in sequence. A B C D वाले एक story है, kite वाली story है. And 1, 2, 3, 4, 5. This is another story. ये story किसके बारे में है? Lion के बारे में है. Correct. So in the two boxes, in the next page, there are two boxes, different boxes. In that boxes, you have to write these things in sequence. The kite story in one box and the zoo lion story in the another box. Okay? But children, just know what we saw, the two stories, है ना? अभी हमने दो कहानियां देखी. So the name of story is, one of the story is the magic kite. ठीक है? तो magic kite को आपको sequence में लिखना है. What happened first? Then second, then third, you can write in continuation. Full stop डाल करके आप story को आगे बढ़ा सकती हो. Alright? Use full stop and then you can make the write the next sentences. 2, 3, 4 sentences. Then finish that story. And then again, the lion story, the zoo story. The name of the story is Who did the lion eat? Lion ने किसे खाया? So there also put down the numbers. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, and write the complete the full story. This is your task, okay? And whenever you're writing in the textbook, children, please remember, do not use pen. On the textbook, you have to use your pencil, okay? So please do that. This is your task, okay? But children, look at this. Match the words in column A with their meanings in column B, okay? Here are the words. You have to match them. That also with their meanings, correct meanings, aapko मैच करना है. ठीक, यहाँ शब्द दिए गए, उनके मीन दिए, अर्थ दिए गए हैं, सही अर्थ से आपको उनको मिलाना है. ओके, लेट्स रीड आउट द कॉलम ए वर्ड्स. ओके, सी टॉपसी टर्वी, स्कूल, ट्रैवल, डिजाइंड. ओके, लेट्स रीड आउट द वर्ड्स ओवर हियर. देयर आर सम सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस आल्सो. मूवमेंट टू चेंज लोकेशन, मूवमेंट यानी कि जाना, मूव करना, मूव टू चेंज लोकेशन, जगह, मूवमेंट, जगह चेंज करना, एक जगह से जगह मूव करना. ओके, ऑलराइट. नेक्स्ट इज प्लान्ड, पी एल ए एन एन ई डी. प्लान यानी कि जैसा आप हिंदी में बोलते हैं योजना, राइट. ओके, नेक्स्ट इज अ लार्ज वाटर बॉडी, बहुत ही पानी का, बहुत बड़ा, बहुत बड़ी जगह या पानी, पानी से भरा हुआ. ओके, एंड देन upside down. Children, look at this. Upside down. Got it? Okay. यानी कि upside ऊपर वाला हिस्सा, उल्टा उल्टा, right? उलट पलट, right? Okay. And next is a place of learning. सीखने की जगह. Okay. All right. Now see. C S E A C. Not C, C S E E C. Okay, but here it is S E A C. Yani ki samudra. That is a large water body. Come on, let's study this. Okay, let's take the pen. Okay, here a large water body. Okay, topsy turvy. Maine bataya tha topsy turvy land upside down. Okay, so here. Upside down. School. School is a place where we learn. And okay. So, a place of learning. It's very easy. Travel. Travel yani ki yatra. Meaning of travel is movement to change location. Ek jagah se dusri jagah change karte jana. Badalte rehna. That is travel. Okay. यात्रा में क्या करते हैं आप, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जब स्थान बदलता रहता है, राइट. ओके, डिजाइन, डिजाइन मीनिंग प्लान. अरे मुझे डिजाइन करना है, जैसे दैट इज
have to plan. मुझे सोच करके बनाना है. ओके, सो डिजाइन मींस प्लान. ऑलराइट, लेट्स रीड आउट. सी अ लार्ज वाटर बॉडी टॉपसी टर्वी अपसाइड डाउन. मीनिंग ऑफ स्कूल इज अ प्लेस ऑफ लर्निंग. ट्रैवल, ट्रैवल मींस मूवमेंट टू चेंज लोकेशन. एंड डिजाइन मींस प्लान. गो टू द नेक्स्ट पार्ट चिल्ड्रन. ओके चिल्ड्रन, आपने राइमिंग वर्ड्स तो पढ़ा होगा, है ना? So here are the rhyming words. We have to make some rhyming words. Make two rhyming words for the following words. ये जो words दिए हुए हैं इनके लिए आपको rhyming words बनाना है. Okay? The first word is sand. Sand. Hand. H-A-N-D. Hand. And then band. B-A-N-D. Band. You can put your own word also. Okay? ये मैंने लिखा है. You know so many of words, so many of the words you know. आप बिल्कुल rhyming words अपने ढूंढ करके you can write down. Okay? And the word is night. Okay? For night, fight. Write. Okay? So I'm going to write fight. F-I-G-H-T. Fight. And then write. You can write W-R-I-T-E also and R-I-G-H-T, write. So I'm going to write R-I-G-H-T, right. Okay, meet, meet, milna. There is another word, beat, B-E-A-T, beat, heat, yes, H-E-A-T, heat. On to the next one, walk, walk, talk. Hawk, H-A-W-K, it's a bird, okay, hawk. Next, wear, wear, tear, there. So, let's read out this, okay children, rhyming word. Sand, hand, band, night, fight, right, meet, beat, heat, walk, talk, hawk. Where, there, there. Well, children, here's a stanza from the poem Topsy-Turvy Land. ठीक है? Topsy-Turvy Land poem से ही हमने एक छोटा सा stanza लिया है, and there are some question answers also. Let's go through the stanza. Read the given stanza and answer the following questions. Let's read out. The people walk upon their heads. The sea is made of sand. The children go to school by night in Topsy-Turvy Land. Question number one. How do people walk? Read out the first line. The people walk upon their heads. So you can write down. Let's write down. You can write down. People walk. Please check out the spelling also. Upon their लोग अपने सर के बल चलते हैं. क्वेश्चन नंबर टू. व्हाट इज द सी मेड ऑफ? सी जो है किस चीज से बना हुआ है? द सी इज मेड ऑफ सैंड. सी इज सो इजी. द आंसर इटसेल्फ इज हियर. ओके, ऑल यू हैव टू से जस्ट रीड. आपको क्या करना है? सिर्फ रीड करना है. दैट्स ऑल. जब आप रीड कर लोगे तो यू कैन राइट डाउन ऑल द आंसर्स इजीली. ओके, लेट्स राइट डाउन द सी. See the question also. The sea is made of sand. बालू से भरी हुई है. समुद्र जो है समुद्र पे पानी नहीं है बल्कि बालू से भरी हुई है. Okay. Then we have to move on to the next question. There are 2, 3, 4 questions more, children. Okay. Question number 3. When do children go to school? The children go to school by night. रात को बच्चे जाते हैं स्कूल. Let's write down. The children go to school by night. N-I-G-H-T, night.
Full stop. And the last question is, what is the name of the land? The name of the land is Topsy-Turvy Land. Write down. The name of the land is Topsy-Turvy. You can write down. Of the land is Topsy-Turvy. Because it is the name, let's write down in capital. Topsy-Turvy. T-U-R-V-Y. Topsy-Turvy. Okay. So, children, please write down these questions. Okay. And also write down the stanza. Okay. Write down the stanza in your notebook. And also the question and answers. And children, I hope you might have understood this wonderful poem. And do go through all the exercises. जो जो exercises हमने भी देखे हैं, हमने किया है पिछले classes में भी. Please do go through this. Okay, rhyming words, antonyms of that is, opposite words. Okay, and even the word meanings. Okay, and you're going to enjoy the poem if you by heart it. आप अगर poem को याद नहीं करोगे तो कैसे मजे लोगे? So उसके लिए क्या करना होगा? You have to revise. Recite again and again, okay, and then only you will learn them by heart. And you can ask your friends also, chalo you recite first, then I'll recite, or you recite the first stanza, I'll recite the second stanza. Again, you can take in turns and you can enjoy the book. Student, so far that much only, and see you in another class. Bye bye.